जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल PSC लेक्चर्स में। अब हम NCERT 10th क्लास का जो दूसरा पार्ट बहुपद यानी कि पॉलीनोमियल्स दिया है उसका हम कुछ बेसिक सा वीडियो बनाए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए। जैसा कि यह वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हैं तो ये 100% है कि अगर आप प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में जरूर आ जाएगा। ये वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो जाएगा। तो देखिए उसमें क्या आता है, जैसे कि दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट का नाम है बहुपद, ठीक है, अंग्रेजी लिखा गया है पॉलीनोमियल्स, ठीक है, बेसिक सा वीडियो है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, जैसे परिभाषा कुछ लिखा गया है, परिभाषा लिखा गया है कि चर अचर गुणांक तथा घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पर कि चर अचर गुणांक, अब ये क्या होता है चर और अचर, तो चर उसे बोला जाता है जिसका मान बदलते रहता है। अब बोलिएगा कि ये कौन सा मान बदलते रहता है, तो देखिए ये जितना भी एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी जितना भी आप देखते हैं उस सब को क्या बोला जाता है, सबको बोला जाता है चर, यानी कि उसका मान बदलते रहता है। कैसे मान बदलते रहता है, तो आप जब समीकरण बनाते हैं तो कभी एक्स का मान 2 आता है, कभी एक्स के मान -2 आता है, कभी एक्स के मान 4 आता है, कभी एक्स के मान 5 आता है, या फिर कुछ भी आता है। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला देखिए और फिर इधर वाला दीजिए, इधर वाला केवल एक्स 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 आया है, मान बदल गया है, तो वही कहा जाता है कि वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है चर राशि कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर चर कहा जाता है। अब देखिए अचर संख्या किसको कहते हैं, तो अचर संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं, नाम से ही पता चलता है। जैसे चर का मतलब होता है बदल जाना और अ मतलब न, तो न बदलना, इस तरह से हमको ये परिभाषा मिल जाता है जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है गुणांक, अच्छा यहाँ पे देखिएगा अचर संख्या जो है किसका मान नहीं बदलते रहता है। देखिए ऐसे मान के चलिए कि हम एक्स बराबर यहाँ पर 4 लिखे हैं, एक्स बराबर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक्स बराबर 2 है, यहाँ पर वाई बराबर कुछ भी लेते हैं -3 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर एक्स के मान आप कभी निकाले हैं वे समीकरण हो या फिर कोई भी आंसर हो तो एक्स के मान अगर 4 है तो हमेशा वह 4 ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं कि हम इसको मिटा कर या फिर काट कर 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पर मिटा कर हम वाई लिख सकते हैं, ये तरीका है, लेकिन ये वाला मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो इसी से परिभाषा भी बना हुआ है, उसी तरह 3 भी है, यहाँ पर 3 अगर एक्स का मान आया है तो 3 ही रहेगा, 2 आया है तो 2 ही रहेगा, अगर -3 आया है तो -3 रहा है, इस तरह से हमारा परिभाषा निकल कर आता है कि वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है अचर संख्या कहते हैं। उसके बाद है गुणांक तथा घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए कि गुणांक यहाँ पर लिख रहे हैं 2x2, आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब कि जो 2 × x² गुणा किया जाता है तभी ना आता है 2x², तो पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप बताइएगा कि 2 है। उसी प्रकार पूछा जाए कि ठीक है 2 का गुणांक बताइए, तो आप बताइएगा कि एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका पूछा जाए तो इसका बताइएगा, इसका पूछा जाएगा इसका बताइएगा। उसका बाद है घात वाले, अब ये घात क्या होता है, तो जैसे x² आप देखते हैं इसको बोला जाता है घात, x² आप कभी 3 देखते होंगे इसे भी बोला जाता है घात, x² अभी कभी कभी 4 देखते होंगे इसे बोला जाता है घात, ठीक है। यहाँ पर देखिए x है तो x के यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसे भी हम लोग घात ही बोलेंगे, तो घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को। अब ये समझा दिया जाए कि आखिर बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, जिसे यह देख रहे हैं इन सब को बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है, मतलब इसमें एक्स वाई ऐसे करके कुछ अंक भी आए, ठीक है, उस तरह के हम लोग व्यंजक को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं और इसे हम बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे में लिखाया गया है 3x² 5x 2y+x ax² + bx, 6y² + 2 etc, ठीक है, इट्सेट्रा और भी हो सकता है। नोट देखिए, नोट में लिखा गया है कि बहुपद को सामान्यतः px में दिखाते हैं, सामान्यतः दिखाते हैं, तो देखें कि यहाँ पर लिखा गया px = 3x² जो यही एग्जाम्पल है वही यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि px = 3x² है, उसके बाद px = 5x, px = 2y+1,
पीएक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और फिर पीएक्स बराबर 6 वाई स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से आप चाहिएगा तो और भी अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका बहुपद का हो सकता है। उसके बाद देखिए लिखा गया है जो सबसे जरूरी बात है, बहुपद के घात या पावर। अब ये क्या होता है, देखिए किसी बहुपद पी एक्स में, पी एक्स ही ना है, पी एक्स में एक्स के सबसे ज़्यादा पावर वाले घात को बहुपद कहा जाता है। अब बोलिएगा कि एक्स के सबसे ज़्यादा पावर इस यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे समझिए किसी बहुपद पी एक्स, बहुपद को सामान्यतः किस में दिखाते हैं, पी एक्स में ना। चलिए हम इसे ले लेते हैं, तो पी एक्स में एक्स के सबसे ज़्यादा, तो एक्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक्स के सबसे ज़्यादा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे बहुपद बोल सकते हैं। अगर उसमें एक्स एक्स नहीं है या फिर वाई भी नहीं है तो हम बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे कि हम केवल 5 लेते हैं बहुपद है, नहीं बहुपद ही नहीं है, यहाँ पर कुछ एक्स वाई जेड करके भी अंक आना चाहिए, फिर हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स से आएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वाई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वाई रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वाई रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि 3x² 5x, जो वही एग्जाम्पल है उसी को यहाँ पर उतार दिया गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और भी सारा हो सकता है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। अब चलिए बहुपद को अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो बहुपद के कुछ प्रकार भी हैं। ठीक है, बहुपद के क्या प्रकार है अभी हम ये लिख रहे हैं, आप बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जिससे कि आपको बाद में परेशानी हो पाठ पढ़ने में। देखिए बहुपद के क्या क्या प्रकार हो सकता है, तो चलिए अब बहुपद के कुछ प्रकार आपको लिख दिया गया है, आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले लिखा गया है रैखिक बहुपद। अभी रैखिक बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे 2x 3y + 2 2x - 5। समझ में आ गया ना, तो देखिए कैसे पहचान में आएगा कि रैखिक बहुपद है, तो देखिए रैखिक बहुपद का मतलब देखिए जिसमें चर का घात एक हो। अब अभी आपको बताए थे कि चर क्या होता है, ठीक है ना, तो देखिए चर आपको बताए थे यही वाला एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी एम एन ओ, यानी कि जो ए बी सी डी होता है उस टाइप का कोई भी हो जिसका मान बदलते रहता है। तो इसमें देखिए 2x में एक्स है तो यही ना चर है, तो चर का घात यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। उसी प्रकार 3y + 2 में देखिए चर क्या है, वाई है, वाई के पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो रैखिक बहुपद। 2x - 5, 2x - 5 में चर कौन सा है, तो एक्स है, एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसके बाद है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद यहाँ पे समझिएगा, द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल जा रहा है, द्विघात जिसका घात दो हो, यहाँ पे पढ़िए वैसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो, दो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2x² - 3y + 2 - 3x² + 2x + 2 etc। अब इसमें समझिए कि चर का घात दो हो, तो इसमें चर का घात क्या है, दो है, इसमें चर का घात क्या है, दो है, इसमें चर का घात देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब बोलिएगा कि इसमें तो एक भी आ गया, इसमें दो भी आ गया, हम इसे क्या बोलेंगे, तो सबसे ज्यादा आप देखिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा दो है, तो सबसे ज्यादा दो है तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद, त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर का घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जैसे कि 2x³ 3y³ + 2, इस तरह से आप समझिए जिसका पावर क्या हो, तीन हो। अब यहाँ पे आइए आप समझ लीजिए डायरेक्ट कि इसमें सबसे ज्यादा देखिए तीन है, इसमें देखिए ये द्विघात बहुपद भी है, इतना दूर हम देखें ना, इतना दूर अगर देखें जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, तो द्विघात बहुपद भी है, यहाँ पे देखिए एक है तो रैखिक बहुपद भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर देखा जाता है, सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो यहाँ पर एक्स का पावर तीन है, तो इस पूरा को हम लोग द्विघात भी नहीं बोलेंगे, रैखिक भी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे तो इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक सा जैसे कि इसमें बहुपद के प्रकार में पढ़ाया गया है, आप चाहिएगा तो इसके बाद और भी पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसे किस तरह हो जाएगा, त्रिघात के बाद आ जाएगा चतुर्घात, पंचघात, इस तरह से और भी आ जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा घात चार रहेगा हम लोग बोल देंगे चतुर्घात, अगर सबसे ज़्यादा घात पाँच है तो बोलेंगे पंचघात, कुछ
महत्वपूर्ण सूत्र लिखा गया है, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पाठ में, बहुपद वाले पाठ में कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है। बस इतना ही फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपसे दो पाठ पूरा का पूरा बन जाएगा, ये श्योर है। जैसे कि सबसे पहले है डी बराबर, अब ये डी क्या होता है, तो डी यहाँ पर लिखा भी गया है कि डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनांट होता है, जैसे कि इसका हिंदी विवेचक और विविक्तर दिया गया है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। उसके बाद लिखा गया या विवेचक, कभी कभी क्या होता है कि किताबों में ये डी न लिखकर हिंदी में विवेचक दे दिया जाता है, तो विवेचक बराबर भी होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। फिर देखिए इसका एक और नया नाम, विविक्त कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। दूसरा फॉर्मूला लिखा गया है द्विघाती सूत्र, अभी द्विघाती सूत्र लिखा गया है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर 2A। कहीं कहीं अलग अलग किताबों में, ठीक है, कहीं कहीं कोई भी प्रकाशन ले लीजिए तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला देखिएगा किस तरह लिखा रहता है, इस तरह लिखा रहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC, इस तरह से लिखा रहता है और बाटा में 2 रहता है, इसका फॉर्मूला जी द्विघाती सूत्र का। तो देखिए डी का मान क्या है, यहाँ पर देखिएगा डी का मान क्या है बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो क्या करता है कि रूट के अंदर डी नहीं लिखकर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता है। लड़का लोग को समझ में नहीं आता है कि नया फॉर्मूला याद करें कि कौन सा याद करें, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इसको ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर डी होता है और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, उसके बाद नीचे जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है अल्फा। ठीक है ना, इस तरह का ये बनाया गया है, अल्फा भी इसे बोलते हैं। अल्फा का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2A। अब आप समझिएगा कि डी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4AC भी आ सकता है, बस इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन याद रखिएगा कि जब अल्फा आएगा तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है, और जब बीटा आएगा तो यहाँ से प्लस वाला गायब हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, इसी से फॉर्मूला ये दोनों बना है। अगर आप माइनस गायब करेगा तो अल्फा का फॉर्मूला, अगर प्लस गायब करिएगा तो बीटा का फॉर्मूला, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब चलिए पांचवा नंबर, पांचवा नंबर लिखा गया है शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है कि जब, जैसे आपको किताब अगर आपके पास होगा तो उसमें दिया होगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए, तो शून्यकों का योगफल होता है, शून्य किसको बोला जाता है, तो अल्फा और बीटा को बोला जाता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसे शून्य को बोला जाता है। तो शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़ देना, अगर इसमें जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो माइनस बी बटा ए, क्या बनेगा माइनस बी बटा ए बनेगा। शून्यकों का गुणनफल, नाम से ही पता चल रहा है गुणनफल मतलब गुणा जरूर आएगा, उसका फॉर्मूला लिखा गया अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, और सातवां नंबर आपका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद होने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको पाठ में एक फॉर्मूला नया मिलेगा द्विघात बहुपद होने के लिए, वहाँ पे पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद होने के लिए बनाइए, कुछ दे दिया जाएगा अंक और बोला जाएगा कि इसे द्विघात बहुपद बनाइए, तो उसके लिए बस एकमात्र फॉर्मूला यही है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, आ रहा है समझ में ना, ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठीक है, और ये एग्जाम में बार बार भी पूछा जाता है, जहाँ पे लिखा गया है कि अगर इस तरह का चिन्ह मिलता है अल्फा है, इस तरह का चिन्ह मिलता है बीटा है, मतलब ये दोनों चिन्ह आप कहीं भी देख लीजिएगा तो अल्फा और बीटा है। उसके बाद है डी, डी का मतलब अभी अभी बताया गया था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, विवेचक और विविक्तर। इस तरह से हमने जो बेसिक वाला वीडियो था इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर ये आप वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो ये 100% गारंटी मेरा है कि कोई भी पूरे YouTube पर आप वीडियो देखिएगा, किसी का भी हो वो, अगर 2.1 या फिर 2.2 देखिएगा तो पूर्ण रूप से आपको समझ में जरूर रह जाएगा, कारण है कि आप ये अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तब। अगर आपको इसमें कहीं से भी हमारे द्वारा अगर सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PSC लेक्चर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और हम लोग अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली हमारा होगा 2.1 में, तब तक के लिए जय हिंद।